Dear student, it is the class 11 subject. I have finished exercise 2.2. Today I will discuss here function. Function is a special type of a relation from set A to function. हम जरा अपनी तरफ से डेफिनेशन लिखा देंगे. फंक्शन इज ए स्पेशल की स्पेलिंग एस पी ई सी आई ए एल एस पी ई स्पेशल क्यों हो गए. फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. इन बीच क्या खास बात है. इन बीच एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए has one and only one image, one and only one image in set B as a relation. यहाँ पे खास बात क्या है प्रताप. Every element of set A, सेट ए को डोमेन कहा जाएगा ना, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज सेट बी में होना चाहिए. क्लियर. अब इसका जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझो, जैसे मान लो हम यहां पे ले रहे हैं 1 2 3 4 ठीक है, ये ए सेट हो गया, प्लीज पे अटेंशन. और बी में हमने मान लो ले लिया 1 4 9 16 25, तो एक का इमेज एक है, दो का इमेज तीन का चार का, तो ये रिलेशन फंक्शन है. अब जैसे हम यहां पे 6 लिख दें, क्लियर, तो यहां पे फंक्शन इसे ये एक्स माना जाएगा और ये वाई माना जाएगा. क्लियर. तो अगर हम रिलेशन को डिफाइन करें एफ सच दैट ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन या एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट हियर द रिलेशन विच एग्जिस्ट दैट द फंक्शन. लेकिन अगर हम 6 का इधर कोई हमारा इमेज नहीं है तो ये केवल रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा. चूंकि मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं लगे यहां से हमने हटा दिया, अभी हमारा एग्जैक्ट हो गया. सो दैट इज दैट इम्प्लाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दैट द रिलेशन. एफ एक्स मीन्स वाई, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर. एफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट था. अब जैसे एक्स बराबर 1 रखो आप, तो 1 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, माने ये हो रहा है, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16. क्लियर. तो यहां पे आप देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, सो दैट रिलेशन इज ए फंक्शन. और अगर इधर कुछ बच जाता जिसका इधर इमेज ना होता तो वो केवल रिलेशन तो होता लेकिन फंक्शन, तो तभी मैंने लिखाया ना फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन from set A to set B, in which that, clear? So that f x equal x square, y equal, so ये आपको हो गया. F is a mapping, f is a function from A to B. और यहाँ पे कैसे define हो गया? यहाँ के element इनके square हैं. और इधर कोई बच जाता है तो कोई फर्क नहीं है ना? तो ये आपका, अब जब आप one one mapping है ना,
आर इनटू मैपिंग ऑनटू मैपिंग। तो यहाँ पे देखो जरा वन वन मैपिंग ये बन रहा है, ठीक है, वन वन इनटू है। अगर बी में कोई बचता है तो इनटू, और कोई ना बचे तो वन वन ऑनटू, ओवर पूरा पूरा हो रहा है, तो वन वन ऑनटू अदरवाइज वन वन, ठीक है ना। सो दैट वाई बराबर एक्स स्क्वायर दैट। तो अब हमें आपको बताना है रेफरेंस है, आर यू रेडी। देखो अगर मान लो यहां 25 ना होता तो ये कहलाता वन वन ऑन टू। अब अगर इधर कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसका इधर प्रीमेज नहीं है, देखो जरा इसका इमेज है ये, है ना, दो का इमेज क्या है चार, और चार का इधर दो क्या माना जाएगा प्री इमेज, ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसका ए में प्री इमेज नहीं है तो इन टू मैपिंग हो गया, और कोई ना बचे तो अनटू। अब जरा तुम्हें और बात बताई है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। देखो जरा अब आपको पढ़ना फंक्शन हो गया, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, सम फंक्शन एंड देयर। पहला आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। जरा इसे देखना, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहां थोड़ा ध्यान देना है, आर यहां रिलेशन नहीं है बल्कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट में सारे इंटीजर सारे रेशनल सब आते हैं। आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। एक हमने फंक्शन डिफाइन किया रियल नंबर से रियल नंबर आर टू आर by कैसे डिफाइन किया गया, देखो भी ध्यान देना है कैसे डिफाइन किया है, by equal x equal x For each x belongs to R। ये आपकी डेफिनेशन हो गई आइडेंटिटी फंक्शन की। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो सच ए फंक्शन, इस तरह का कोई भी फंक्शन, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। ये पूरा रह जाएगा, आर सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई फंक्शन रियल से रियल में है, कैसे डिफाइन किया गया, एफ एक्स बराबर एक्स,
एफ एक्स को वाई कहते हैं, ठीक है। तो वाई बराबर एक्स, माने जो एक्स कोऑर्डिनेट हो वही वाई कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो ऐसा फंक्शन जहां एग्जिस्ट करे उसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ सी इन फिगर, सी इन ग्राफ, एक्स एक्स डेज, ध्यान दो जिससे दिमाग में बैठ जाए बात, ठीक है। वाई बराबर एक्स एक ऐसी लाइन होती है जो कहां से होके जाती है, और ये आपकी होगी, इस लाइन का नाम है वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स, या फिर एफ एक्स बराबर एक्स, एक ही बात। अब यहां देखो जरा, इस पे जो भी पॉइंट होंगे बेटा इस टाइप के होंगे, पर कमा पर, ठीक है ना। अगर यहां पे टू आएगा, टू टू, ये पॉइंट हो जाएगा टू कामा टू, ऐसे ही थ्री कामा थ्री, जो एक्स है वो वाई है, तो ये फंक्शन कह जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। इधर आप अगर निगेटिव में जाओ तो माइनस वन कामा वन माइनस वन, ये आपका ये माइनस वन, ये आपको क्लियर। और इधर आपका होगा क्या, माइनस टू कामा माइनस टू, ऐसे बहुत सारे पॉइंट। तो एक्स बराबर वाई, अब जरा यहां पे जरा देखो, वाई बराबर एक्स कहा जा रहा है या एफ एक्स बराबर क्या कहा जा रहा है, एक्स। तो यहां पे देखो अब वन रखो, अब वन रखोगे तो वही आ रहा है एफ वन बराबर वन, ये एक्स बराबर वन है और ये टू है ना, ये जो दूरी ये एक्स कहलाता है इतना, और ये वाई कह रहा है, तभी तो पॉइंट हो गया। पॉइंट अगर जनरल है, जनरल पॉइंट क्या होगा, एक्स कामा वाई, क्या होगा एक्स कामा वाई, दैट दैट मींस वाई इक्वल एक्स फॉर दिस लाइन, फॉर क्लियर। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स यू मे रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक and write their definition and show them by a diagram, by a graph. Thanks.